बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है 14th of August, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। सभी लोग बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, और जो आउटसाइड कंट्रीज़ में है वो भी अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है या मतलब जो कुछ कर सकते हैं तो सभी कर रहे हैं। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया किड्स के लिए और अपने लिए। मैं ये शामी कबाब और नान के साथ ये इस तरह से बना रही हूँ टिक्कियाँ सी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के हाँ क्या सेलिब्रेशन चल रही है। हमारी तो तैयारी हो चुकी है, मतलब जो बताया ना जो हो सकता था। तो बस कपड़े वगैरह निकाले हैं। ये मेरी बेटी का ड्रेस है, ये ग्रीन कलर का है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कि वो ऐसे ब्लू कलर सा टच आ रहा है ऐसे। तो साथ में उसने ये टी शर्ट और इस तरह से निकाली है, क्योंकि गर्मी आजकल यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, तो इसलिए ना वो कह रही थी कि थोड़ी देर वो पहन लूँगी फिर इस तरह से। तो ये ड्रेस मैंने अपना निकाला है, और वैसे भी आज थोड़ा मैं अर्ली उठ गई थी क्योंकि जाना है अभी स्कूल में। मेरे बेटे का इंडक्शन डे है, हाई स्कूल में जा रहा है, तो फिर इसलिए वो टीचर्स के साथ मीटअप और इस तरह से ना, तो बस उसी के लिए तैयारी कर रहे थे। शावर वगैरह सब ने ले लिया है, तो मैंने कहा अब रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो फिर अभी उसको करेंगे स्कूल ड्रॉप। हालांकि पहले ऐसा होता था, मैं थोड़ी सी अपसेट भी हूँ क्योंकि ये इंडक्शन डे बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स और फ्रेंड्स भी टोटली न्यू। हाँ, ये बाय चांस है कि अगर आपको कोई एक आध मतलब आपके प्राइमरी स्कूल से फ्रेंड मिल जाए तो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है ऐसे। मतलब अगर होगा भी स्कूल में होगा, लेकिन आपके फॉर्म में मतलब सेक्शंस में नहीं होगा। तो हैर हस्बैंड कह रहे थे कि ये तो मतलब उसने जाना है आगे से, उधर ही पढ़ना है, तो मतलब बच्चों को फिर ऐसे भी तो करना ही चाहिए ना। इंडक्शन डेज में वैसे पेरेंट्स को भी साथ बुलाते हैं, लेकिन आजकल सिचुएशन की वजह से वो नहीं बुला रहे। उन्होंने कहा कि बस आपने ड्रॉप करना है उनको, तो फिर वो सारा होगा, तो 3 आवर्स के बाद आप दोबारा से आके ना इनको पिक कर लें। तो जी, अभी मैं मेरे हस्बैंड गए थे, उसको ड्रॉप कर रहे हैं, फिर आके मैंने जेली बनाई है, ग्रीन वाली पड़ी हुई थी, और साथ ही बिरयानी। मैंने कहा मतलब जो भी बताया ना, जो भी हमारा हो कोई फंक्शन या कुछ भी, ईद हो, सेलिब्रेशन डे हो, तो बस बिरयानी तो बन ही जाती है। तो बिरयानी बन गई है जी, मज़े की, अब इसको खाएंगे। अब अभी हम आराम से साथ में टीवी देख रहे हैं। आज से कई साल पहले कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी मेहनतों के साथ ये पाकिस्तान हासिल किया था, तो दुआ कीजिएगा पाकिस्तान को, अल्लाह ताला मतलब बहुत सारी तरक्की दे, और जो भी मुश्किल हालात सिचुएशन चलते हैं तो अल्लाह ताला उनको उससे महफूज करें, आमीन सुमा आमीन जी। तो जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं, वैसे भी तो बच्चों की रूटीन ऐसी है, 13 अगस्त की नाइट को बस कहते कि 12 के बाद सोना है, जैसे ही 12 बजे, तो फिर हमने ये लाइट्स ऐसे कैंडल्स ऑन कर ली, फिर हमने जो मिठाई बनाई हुई थी और कुछ इस तरह से वो एंजॉय की, थोड़ी थोड़ी सब ने ली। तो इस तरह से हमारा ये 14th अगस्त का डे बहुत अच्छा सा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।